एस्ट्रो लवर्स ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, या तो ऐसे लोग जिनको कर्जे की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनकी लोन्स बहुत ज़्यादा रहती है, जिन्होंने बहुत पैसे लिए रहते हैं लेकिन पैसे वापस वो नहीं दे पा रहे हैं, लोन्स उनका रीपे नहीं हो पा रहा है और परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों को रात में सोते वक्त उनको दूध पीना है, लेकिन सादा दूध नहीं पीना। सादा का मतलब होता है कि प्लेन शक्कर वाला दूध नहीं पीना है, उसमें अगर आप चाहें तो थोड़ी सी कॉफ़ी डाल सकते हैं या तो थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल सकते हैं, ऐसा दूध उनको हमेशा पीना है रात को सोते वक्त। और सबसे लास्ट में, ऐसे लोगों को दिन में जितनी भी बार चाहें, जब भी आप पानी पीना चाहें, थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर, हल्का सा गर्म पानी पिए। जब ये रेमिडीज़ आप 21 दिनों के लिए लगातार करेंगे, आपके जो भी कर्जे से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा, और जो डाइजेशन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स है उसमें भी धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन आपको कुछ महीनों तक ये लगातार करना है। दूसरी रेमेडी मैं जो बताना चाहती हूँ वो बिज़नेस करने वालों के लिए है। बिज़नेस कोई भी हो सकता है, छोटा बिज़नेस, बड़ा बिज़नेस, या फिर आप जो भी आपके मन में हो वैसा बिज़नेस, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बिज़नेस में एकदम से बढ़ोतरी हो जाए, बिज़नेस अच्छा चलने लगे, तो आपके लिए उपाय बहुत अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है कि आपको सफ़ेद बटर का दान रोज़ करना है, एटलीस्ट 8 से 9 दिन तक सफ़ेद बटर का दान कीजिए। और जब भी आप घर से निकलते हैं बिज़नेस जाने के लिए नहाने के बाद में, तो घर से निकलने के वक्त एक इलायची और एक छोटी सी मिश्री जो है उसको खा के, उसका सेवन करके उसके बाद ही जाना है। देखिए आपके बिज़नेस में कितनी जल्दी बढ़ोतरी हो जाती है। अब तीसरी रेमेडी जो है वो उन कपल के लिए है, या मैरिड कपल के लिए है, जिनके बीच में बनती नहीं हो, मतलब पति पत्नी है, छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होते हैं कि ये झगड़े थोड़े से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, या आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छा सा सीधा सा सरल उपाय है। आपको लाल और सफ़ेद कपड़ों का दान करना है, पत्नी कर सकती है या पति भी कर सकता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि लंच के टाइम में दोनों पति पत्नी अगर हो सकता है तो दही का सेवन ज़रूर कीजिए, दोनों के जो भी व्यवहार है उसमें आपको बहुत ही जल्दी फ़र्क नज़र आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मैंने जहाँ देखा है कि कई सारे लोग ऐसे होते जिनके पूरे साल में ना छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं, मतलब वो ऐसा होता है कि कहीं चलते चलते भी एकदम से गिर जाते हैं, उनको लग जाती है, वो साल में एक बार अपना ब्लड डोनेट ज़रूर कीजिए। आप ये रेमेडी करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग रेमेडी जो प्राइवेट जॉब वालों के लिए, प्राइवेट जॉब कभी आपको अगर इसमें लग रहा है कि आपको थोड़ी परेशानी है, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, अगर पॉसिबल है आप फ्लैट जूते पहनिए, और स्पोर्ट्स जूते सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे आपके लिए, और रोज़ 5 मिनट आप स्पॉट जॉगिंग ज़रूर कीजिए। आपके सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको अपने अंदर बहुत सारी ऊर्जा की अनुभूति होगी। ये रेमेडीज़ उन लोगों के लिए हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, और बहुत सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं बन पा रहे हैं। आपको क्या करना है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह के नीचे ज़मीन पे कहीं पर भी ऐसी ज़मीन आप ढूंढिए जहाँ पर कच्ची मिट्टी हो, वहाँ पर आपको एक बहुत ही सुंदर सा पौधा लगाना है। उस पौधे को रोज़ आपको पानी डालना है, और जब आप ये पौधे में पानी डालते हैं आपको अपनी उन्नति के बारे में, यानी कि अपने प्रगति के बारे में हर वक्त सोचते रहना है कि मैं लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, मेरे लाइफ में जो भी रुकावटें हैं वो रुकावटें मेरे जीवन से जा रही है, ये कॉन्स्टेंटली सोचते हुए ही आपको पानी डालना है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे बंदों को दिन में किसी भी वक्त, चाहे हो सकता है 0 नंबर के ही आप पहन लीजिए, लेकिन ग्रीन कलर के ग्लासेस पहनने बहुत ज़रूरी है, या तो आप आँखों पर ग्रीन कलर के कॉन्टेक्ट लेंसेज भी लगा सकते हैं। दो ही चीज़ें, दो ही रेमेडीज़ आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाएगी, करके देख लीजिए। ये रेमेडीज़ उन लोगों के लिए हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि उनके घर में बहुत नेगेटिविटी है, या घर में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उनको परेशान कर रही है। आपको एक काम करना है कि जहाँ पर भी आपको लगे, जिस रूम में आपको लगे यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी है, थोड़ा सा आपको डर सा फील होता है, उस रूम में आपको एक क्या करना है, एक कांच का बड़ा सा ग्लास लीजिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, जिसमें पूरा पानी भर दीजिए। बड़ा ग्लास लेना है, उसमें पूरा पानी भरना है, और एक नींबू उसके अंदर डाल के रखना है,
अगर नींबू तैरने लगता है तो आप ये सोचिए कि उस रूम में या उस घर में बहुत नेगेटिविटी है। जब तक कि वो नींबू बैठ नहीं जाता नीचे, तब तक वो नींबू चेंज करते रहिए। यानी कि अगर एक दिन में वो नींबू नहीं बैठा, दूसरे दिन वापस वो ट्राई कीजिए, तीसरे दिन ट्राई कीजिए, जब वो नींबू बैठ जाए तब आप ये सोच लीजिए कि आपके घर से वो नेगेटिविटी दूर हो गई है। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, डिश टीवी और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।